अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करूँगी अपने घर को रिफ़्रेश समर्स के लिए, क्योंकि छुट्टियाँ आने वाली हैं तो उसके लिए थोड़ा सा मैं रिफ़्रेश करूँगी, क्योंकि मैंने लास्ट रमज़ान की ईद से पहले मैंने किया हुआ था जो स्प्रिंग की जो डेकोरेशंस थी वो मैंने की थी, तो अब मैं सिर्फ उसको थोड़ा सा चेंज करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। स्प्रिंग के डेकोरेशन के साथ मैं सिर्फ थोड़ा समर का टच दूँगी, थोड़ा सा चेंज करूँगी, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ों को अभी नहीं रिमूव किया है। जैसे जैसे मैं करती जाऊँगी एक एक चीज़ हटा के उसके रिप्लेसमेंट में कुछ चीज़ों को ऐड करूँगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कुछ इस तरह से मेरी स्प्रिंग की डेकोरेशन थी जो लिविंग रूम की थी। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें निकाल के रखी है जो हम यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से ब्लू कलर का टच देना है समर के लिए, तो मैंने ब्लू और वाइट का यूज़ किया है यहाँ पर। तो मैं वही सारी चीज़ों को यूज़ करूँगी जो यहाँ पर रखी हुई हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने समर डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी। तो ब्लू काफ़ी अच्छा लगता है, ब्लू और येलो काफ़ी अच्छे लगते हैं समर में और वाइट के साथ, तो इसीलिए मैंने इस दफ़ा ब्लू का यूज़ करना है के समर के लिए, तो वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें जो मैंने निकाल के रखी है, और मोस्टली चीज़ें मेरे घर पे ही थी सिवाय इसके। ये कुशन कवर्स मैंने IKEA से लिए, तो ये सेल में लगी हुई थी तो मैंने ले ली थी, तो ये हम इसके यूज़ करेंगे कुशन कवर्स को। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, अगर कोई चीज़ मुझे मिल जाती है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने कलर पैलेट को चूज़ करती हूँ, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग घर में क्या है वो सारी चीज़ें देखती हूँ। तो मैंने सिर्फ ये कुशन कवर्स लिए हैं और मेरे पास ऑलरेडी घर में ब्लू की चीज़ें रखी हुई थी थोड़ी बहुत, तो उसी को हम यूज़ करेंगे। अच्छा, जब भी आप कलर ऐड्स करें तो बहुत ज़्यादा कलर को ऐड मत करें कि हर जगह वही कलर की चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा टच दूंगी, जैसे कि यहाँ पर ये ब्लू जिसमें फूल वगैरह है यहाँ पर वाइट के साथ, तो उसी के साथ मैं वाइट प्लेन कुशन यूज़ करूँगी जो ऑफ वाइट में है, तो वो हम इसके साथ यूज़ करेंगे। और इसी तरह से मैं थोड़े थोड़े ब्लू के टचेस हर जगह थोड़ा सा दूँगी, तो ये कुछ इस तरह से कुशन कवर्स नज़र आ रहे हैं। थोड़े से ये कुशन कवर्स बड़े हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि थोड़े फ्लफी रहेंगे कुशन्स तो भी अच्छे लगते हैं, तो उसको मैं सेट कर लूँगी। और उसी के साथ मैं यहाँ पर सारे कुशन्स को भी रख लूँगी जिस तरह से हमने दूसरे साइड पर रखा हुआ है। अगर आप हर सीज़न के लिए डेकोरेशन चेंज नहीं भी करना चाह रहे हैं तो सिर्फ आप अगर कुशन कवर्स भी चेंज कर लो तो काफ़ी फ्रेश हो जाता है, तो रिफ़्रेश हो जाता है आपका रूम भी और उसकी सराउंडिंग भी काफ़ी अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि कुशन कवर्स मैं अपने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के मैं लेके रखती हूँ, ताकि मैं उसको चेंज करती रहूँ और अपने लिविंग रूम को, बेडरूम को या फिर किचन को नया लुक दे सकूँ। तो उसी तरह से किचन के लिए कुछ चीज़ें होती हैं और बेडरूम के लिए, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी। तो यहाँ पर मैं ये थ्रो ब्लैंकेट को चेंज कर दूंगी, तो जैसे कि मैंने बताया कि येलो और ब्लूज बहुत अच्छे लगते हैं समर में, तो यहाँ पर मेरे पास ये येलो वाला थ्रो ब्लैंकेट है, तो इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं सिर्फ येलो का इतना ही यूज़ करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं कलर को यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा बिजी लगना शुरू हो जाता है। तो सिर्फ ये एक ही होगा जो मैं येलो का यूज़ करूँगी, बाकी सब हम वाइट और ब्लूज़ को ही यूज़ करेंगे। अच्छा, कॉफ़ी टेबल के लिए यहाँ पर मैं दो चीज़ें चेंज करूँगी, जैसे कि मैं इसकी ट्रे को चेंज कर दूँगी और इसी के साथ यहाँ पर जो वॉज रखा हुआ है उसमें कि मैं फ़्लावर्स को सिर्फ चेंज करूँगी। तो मैं देख रही थी कि कौन सी ट्रे अच्छी लगेगी, तो मुझे लगा कि ये वाली ट्रे ज़्यादा समर में अच्छी लगती है, तो इसको मैं रख लूँगी। और जो कोस्टर्स है और कैंडल है वो मैं उसी तरह से उसको यूज़ करूँगी जैसे मैंने पहले रखा हुआ था, सिर्फ इसके फ़्लावर्स को चेंज करूँगी, क्योंकि ये जो फ्लावर्स हैं मैंने स्प्रिंग में रखे हुए थे पिंक जो मैंने किया था, तो उसको हम चेंज कर लेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर फ्लावर्स के साथ मैंने सोचा था कि मैं इसके वॉस को भी चेंज करूँगी, ये वाला ब्लू वाला मैं यूज़ करना चाह रही थी, लेकिन मैंने फिर सोचा कि बहुत ज़्यादा ब्लू हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लावर्स में भी थोड़ा सा ब्लू टच है, तो मैंने सोचा कि उसी वाइट वॉश में ही मैं इसको लगाऊंगी और इसमें जो पिंक वाले फ्लावर्स है वो मैं निकाल दूंगी और ये वाइट वाले फ्लावर्स को फिर मैं रीयूज़ करूंगी इस वाले फ्लावर्स के साथ,
क्योंकि ये दो मिला के काफ़ी अच्छे इसका लुक आएगा, तो मैं इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। मैं यहाँ पर ये दोनों फ्लावर्स को अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी, क्योंकि वो लगे कि एक ही उसमें लगा हुआ है, तो मैं उसी तरह से इसको सेट करूँगी ताकि वो अलग ना दिखे। यूजुअली ये होता है कि आपके दोनों अगर अलग अलग बंच हो तो वो अलग अलग दिखना शुरू हो जाते हैं, तो उसको अच्छे से आपको मिक्स करके रखना है ताकि वो दो अलग अलग ना नज़र आए। तो यहाँ पर मैंने रख लिया, और ब्लू वाला वॉस मैं अभी यूज़ नहीं करूँगी, आगे कहाँ पर यूज़ करूँगी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी वो। तो इस तरह से मेरा कॉफ़ी टेबल हो गया है रेडी। अब इसी तरह यहाँ पर ये जो दूसरी थ्रो ब्लैंकेट है, ये मैंने काफ़ी यूज़ की है, पूरे साल मैंने यूज़ किया, बहुत अच्छी थ्रो ब्लैंकेट है, मैं इंडिया से लेकर आई थी, लेकिन अब मैं उसको हटा के ये वाली आइकिया की थ्रो ब्लैंकेट को यूज़ करूँगी। तो मैंने ये आइकिया से लिया था, और ये भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ी डार्क ब्लू में है, तो वो भी काफ़ी अच्छा टच देगी ब्लू का, तो वो मैं इसमें यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो टीवी यूनिट का ये वाला कॉर्नर की चीज़ें मैं सिर्फ चेंज करूँगी, दूसरे कॉर्नर पे लैंप रखा हुआ है उसको मैं वैसे ही रखूँगी, सिर्फ ये जो वॉज है और जो कैंडल्स है इसको मैं रिमूव कर दूँगी। तो इसके जगह पे ये वुडन के कैंडल होल्डर्स है, तो उसको रख लूँगी, क्योंकि समर में काफ़ी अच्छा लगता है नेचुरल चीज़ों के साथ आप चीज़ों को डेकोरेट करें, तो ये वुडन के है तो ये अच्छे लगेंगे, तो इसी को मैं यहाँ पर रख लूँगी। और समर में मुझे लगता है समर और स्प्रिंग में अगर आप प्लांट्स को यूज़ करें अपने डेकोरेशन में तो वो काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे प्लांट्स रखे हुए थे ये इंडोर प्लांट्स हैं, जो मैं विंटर में यूजुअली मैं विंडो में रख देती हूँ, क्योंकि धूप यहाँ पर कम आती है तो विंडो में रहते हैं तो वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। समर में मैं इसको इस तरह से लिविंग रूम में यूज़ करती हूँ, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ अपनी कॉफ़ी कॉर्नर के पास, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ ये कप्स को चेंज कर दूँगी, जो मैंने स्प्रिंग के लिए लगाए हुए थे उसको चेंज करके ये ब्लू कप्स को लगा लूँगी, ताकि थोड़ा सा फ्रेश लुक आए। तो ये वाले जो कप्स हैं मैंने एक्शन से लिए थे, तो ये बहुत ही खूबसूरत कप्स है, तो ये परफेक्ट टच देंगे ब्लू का, तो इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर एक वॉज रखा हुआ है, इसके सिर्फ मैं पिंक वाले जो ट्यूलिप्स है उसको निकाल के ये ब्लू वाले उनको उसकी जगह पे मैं लगा दूँगी, तो वो भी काफ़ी अच्छा लुक देगा। अब ब्लू और वाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है जो ग्रीन के साथ आता है वो काफ़ी खूबसूरत लगता है, मैं इसमें आपको लगा के दिखाऊँगी कि कितना खूबसूरत ये लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है, जैसे कि मैंने बताया कि इसको अच्छे से अरेंज करना है ताकि ये एक ही वॉस में एक ही बंच लगे, तो यहाँ पर मैंने इसको सेट कर लिया, कुछ इस तरह से लग रहा है। और इसमें यहाँ पर थ्रो ब्लैंकेट रखी हुई है उसको भी मैं चेंज कर दूँगी, यहाँ पर मेरे पास ब्लू में एक ब्लैंकेट रखी हुई है जो टेसल्स के साथ है, तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। तो इतना ब्लू यहाँ के लिए काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा भी होगा तो बहुत ज़्यादा रश लगेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मेरा कॉफ़ी कॉर्नर नज़र आ रहा है। और उसके बाद में हम आ गए हैं डाइनिंग टेबल की तरफ, तो यहाँ पर जो वॉच रखा हुआ था मैं उसको रिमूव कर दूँगी, और उसी के साथ ये जो रनर है मैं उसको भी हटा दूँगी, क्योंकि ऑफ वाइट में था और उसके साथ मैंने वाइट वाला वॉच रखा था, तो उसको भी हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये वाइट और ब्लैक रनर लिया है, तो इसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो उसी के साथ यहाँ पर मेरे पास ये वुडन का ट्रे रखी हुई थी, वो हम यूज़ करेंगे।
तो वो मैं यहाँ पर रख लूँगी। और इसी के साथ यहाँ पर मेरे पास एक ब्लू और ग्रे में एक वॉश रखा हुआ था, तो वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी, जो मैंने स्प्रिंग के टाइम पे मैंने अपने इंटरव्यू में यूज़ किया था, बस उसी को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है और यहाँ पर ला के रख दिया। तो बहुत ज़्यादा इसमें चेंज करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी इसी तरह से था, तो मैं इसको सिर्फ मैंने जगह चेंज किया है। अच्छा, यहाँ पर मैं रनर को चेंज कर रही हूँ, क्योंकि जो रनर मैंने लगाया वो काफ़ी छोटा नज़र आ रहा था, तो उतना अच्छा लुक नहीं आ रहा था, तो मैं ये वाले रनर को निकाल के ये जो दूसरा रनर है उसको मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है और ये नीचे भी तक जाएगा तो अच्छा लगता है लुक, जब रनर थोड़ा सा आपका बड़ा हो तो दोनों साइडों से ये इस तरह से नीचे जाना चाहिए तो रनर अच्छा लगता है, तो उसको मैंने चेंज किया है। और उसी के साथ वैसे ही हम ट्रे को रख लेंगे, वुडन ट्रे को वॉश के साथ में। अच्छा, यहाँ पर मेरे डाइनिंग टेबल के पास ये मेरी जानीमांस की बास्केट रखी हुई है, तो यहाँ पर पिंक कलर का जानीमांस मैंने स्प्रिंग में यूज़ किया था, बस यही एक जानीमांस को मैं चेंज करूँगी। ये वाली जो जानीमांस है उसमें थोड़ा सा ब्लू भी टच है, तो मैंने सोचा कि इसको इस तरह से चेंज कर दूँगी, तो ऑलरेडी जो जानीमांस रखे हुए थे सिर्फ ऊपर वाला एक मैंने चेंज किया है। तो इस तरह से मेरा लिविंग रूम कुछ रेडी हुआ है समर्स के लिए। तो आपने देखा कि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेंज नहीं किया, छोटा मोटा चीज़ इधर उधर अगर आप चेंज करते हो तो काफ़ी अच्छा लुक आता है और थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाता है, और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि आपको वैसे भी कुशन कवर वगैरह चेंज करने ही होते हैं, तो अगर उस तरह से आप अगर सीजनली कर लोगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरा लिविंग रूम हो गया रेडी समर्स के लिए। अब इसके बाद हम चलते हैं बेडरूम की तरफ, इसी तरह से हम बेडरूम को भी रिफ़्रेश करेंगे। तो यहाँ पर अब हम ऊपर आ गए बेडरूम में, तो बेडरूम में आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने लिविंग रूम में स्प्रिंग में पिंक का यूज़ किया था, उसी तरह से मैंने बेडरूम में भी पिंक का यूज़ किया था, तो ज़्यादा कुछ हम चेंज नहीं करेंगे, सारी चीज़ें एज इट इज़ होंगी, सिर्फ मैं बेडिंग चेंज करूँगी और एक आध चीज़ होगी जो चेंज होगी जो मैं आपको दिखाऊँगी आगे। तो यहाँ पर मैंने बेडिंग निकाल के रख ली है जो मैंने यूज़ करनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली बेडिंग को मैं यूज़ करूँगी, तो ये मैंने लिया था 50% डिस्काउंट में, तो ये मुझे क्रैथफर्ड से मिली थी, काफ़ी अच्छी कॉटन की 100% कॉटन है और काफ़ी अच्छी बेडिंग है, तो ये डुबे कवर है, तो इसको हम चेंज करेंगे। बस जब भी आपको सेल लगे तो आप इस तरह की चीज़ें लेके रखो तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, जब भी आप कर रहे हो तो आपको जाके लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब भी मैं सेल लगता है इस तरह की चीज़ें मैं ऑलरेडी लेकर रखती हूँ और उसी के अकॉर्डिंगली मैं चीज़ों को चेंज करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने बेड को बना लूँगी और इससे ही आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा लुक आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस सारी चीज़ों को निकाल लिया है और अब हम नई बेडिंग को डाल लेंगे। तो यहाँ पर ये जो बेडशीट मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैं लेकर आई थी इंडिया से,
जो मैंने लोकल अपनी मार्केट से लिया हुआ था। अच्छी है बेड कवर, मगर उतनी अच्छी नहीं है, बहुत जल्दी ख़राब हो गई। मैंने इसको सिर्फ 2 दफ़ा यूज़ किया है, लेकिन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो मैंने इंडिया से बहुत सारे बेड कवर्स मैं लेकर आई थी, लेकिन मैंने देखा है जो प्लेन वाली है वो उतनी अच्छी नहीं है। जो प्रिंटेड है वो फिर भी अच्छी है, काफ़ी लंबे टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। प्लेन का एक्सपीरियंस मेरा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, जबकि जब मैं ख़रीदने गई थी तो वो बता रहा था शॉपर के जो है ना प्लेन वाली जो होती है वो काफ़ी महंगी होती है और अच्छी होती है, लेकिन उसका मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा है, क्योंकि मैं इसको 2 ही दफ़ा मैंने यूज़ किया और ये बहुत ही ख़राब निकली थी। तो बस यहाँ पर मैं ये बेडशीट को इस तरह से मैट्रेस पर लगा लूँगी। अगर आप लोग में से कोई हैदराबाद से है तो आप मुझे ज़रूर से बताना कि कहाँ पर बेडशीट्स काफ़ी अच्छी मिलती है हैदराबाद में, तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। तो ये मैंने हैदराबाद से ली थी टोली चौकी से, तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ ओके है, क्योंकि इतनी ख़राब भी नहीं है कि बिल्कुल आप यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बेड कवर चेंज कर लिया है, तो डुबे कवर भी मैंने लगा लिया था, तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। बस आप इतना भी करो ना तो आपका बेडरूम काफ़ी चेंज हो जाता है। यहाँ पर बेडिंग के बाद में मैं यहाँ पर कुशन्स को यहाँ पर फिर से वापस रख रही हूँ। तो ये वाले जो कुशन्स हैं वो मैंने स्प्रिंग में भी यूज़ किए थे, ये वाइट और ग्रे कलर के स्पेस राइप्स है, तो ये काफ़ी अच्छे कुशन कवर्स है और मैं इसको हर साल यूज़ करती हूँ और पूरे साल ही तकरीबन कहीं ना कहीं ये यूज़ होते हैं। तो इस तरह के कुशन कवर्स हमेशा होने चाहिए जो हर सीज़न में आप यूज़ कर सकते हो। तो उसी के साथ मैं मैच करूँगी ब्लू वाले कुशन्स को, क्योंकि ये वाइट है ऑलरेडी, तो मैं इसको यहाँ पर ब्लू वाले कुशन्स के साथ मैच करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ब्लू का मैं टच देना चाह रही थी। जो कलर मैं लिविंग रूम में यूज़ करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि बेडरूम में और किचन में भी वही कलर को मैं यूज़ करूँ, और अपनी इंटरवे में भी मैं ज़्यादातर वही कलर को यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक बास्केट रखी हुई है, तो बस मैं उसकी एक थ्रो ब्लैंकेट को सिर्फ चेंज कर रही हूँ। उसमें दूसरी रखी हुई थी जो थोड़ी सी कलरफुल थी, तो उसी को मैं चेंज करके यहाँ पर ये वाइट और ग्रे वाली रखूँगी, थोड़ा सा फ्रेश लुक आ जाएगा। और यहाँ पर कोई ज़्यादा चीज़ों को मैं चेंज नहीं करूँगी, सिर्फ ये वाला जो फ़ोटो फ्रेम है उसी को चेंज करूँगी, क्योंकि में पिंक लगा हुआ था, तो यहाँ पर ये वुडन का काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं बस ये एक वाला फोटो फ्रेम को ही ऐड करूँगी इस तरफ। बस इतनी ही चीज़ें थी जो मैं बेडरूम में मैंने चेंज की है। बस बेडिंग मैंने चेंज की है, उसी के साथ मैंने यहाँ पर फ्लोर पे मैट्स डाले थे ब्लू वाले, तो बस यही 2-3 चीज़ें थी जो मैंने चेंज की थी बेडरूम में। लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी लुक चेंज हो जाता है जब आप थोड़ी सी बेडिंग भी चेंज करो ना, क्योंकि बेडरूम में ज़्यादातर आपको नज़र आता है आपका बेड, तो अगर आप सिर्फ बेडिंग भी चेंज करो तो काफ़ी फ्रेश हो जाता है आपका रूम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेडरूम कितना फ्रेश लगना शुरू हो गया, और मैंने कोई भी दूसरी चीज़ को चेंज नहीं किया, जैसे कि जैसे पहले था साइड टेबल्स मैंने उसको वैसे ही रखा है, सिर्फ बेडिंग के साथ ही इसको रिफ्रेश किया है। इसके बाद में अब हम चलेंगे किचन की तरफ, तो किचन में भी मैं सेम इसी तरह से करूँगी। यहाँ पर मेरे ओपन शेल्फ है किचन के, तो इसमें से मैं कुछ चीज़ों को निकाल के चेंज करूँगी, सारी चीज़ों को नहीं करूँगी, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सिर्फ वो चीज़ों को रिमूव करूँगी जो मैंने कलर ऐड किया था। तो यहाँ पर ये जो टी पॉट आपको सेट नज़र आ रहा है वो मैं चेंज करूँगी, और यहाँ पर कॉर्नर पे मैंने कुछ चीज़ें निकाल के रखी हैं जो मैं यूज़ करूँगी अपने किचन के लिए। तो यहाँ पर मैंने किचन टेबल्स को निकाल के रखा हुआ है, वो बहुत इजी होता है चेंज करना। तो यहाँ पर ये जो ब्लू वॉश मैंने बताया था आपको, उसको यूज़ करेंगे, और कुछ नए किचन टेबल्स है उसको भी यूज़ करेंगे, और ये जो फ्लोर मैट है उसको भी हम चेंज करेंगे।
तो यहाँ पर मैं इस कॉर्नर से शुरू करूँगी, तो इस पे ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ मैं ये जो स्पैचुला होल्डर है उसी को चेंज करूँगी, ये वाला को मैं यूज़ करूँगी। तो जैसे कि मैंने इसमें फ्लावर्स लगाना चाहे लेकिन वो मैंने नहीं लगाया, तो मैंने सोचा कि इसको स्पैचुला होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो उसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो जो स्पैचुलास थे मैंने सारे उसमें लगा दिए हैं। तो इसी तरह किचन के दूसरे कॉर्नर पे मेरा रखा हुआ है ये टू ट्रे स्टैंड, जहाँ पर मैंने स्प्रिंग के लिए कुछ इस तरह से सेटअप इसका किया था। तो यहाँ पर जो ये कप्स है जो पिंक है वो मैं इसको रिमूव कर दूँगी और ज़्यादा चीज़ें इसी में रखूँगी जो पहले से रखी हुई थी, सिर्फ ब्लू का थोड़ा सा टच देंगे इसमें। तो इसको मैं देखूँगी कि किस तरह से ये अरेंज होगा। ट्रू ट्रे स्टैंड का मैं हमेशा से कहती हूँ जितने आप चीज़ें इसमें फुल करोगे उतनी अच्छा इसका लुक आता है, तो उसी को हम यहाँ पर अरेंज करेंगे जिस तरह से इसका अच्छा सा लुक आए। तो मैं यहाँ पर थोड़े से ब्लू चीज़ों को ऐड करूँगी और यहाँ पर मेरे पास ये प्लांट्स रखे हुए थे तो उसको भी मैं ऐड करूँगी। अब के लिए मैंने इतनी ही चीज़ों को ऐड किया है, फिर मैं इसको बाद में देखूंगी। तो अब हम चलते हैं ओपन शेल्फ की तरफ, जहां पर मेरे ये टी पॉट का जो सेट रखा हुआ था वो मैं रिमूव कर दूंगी। ये वाइट और पिंक काफ़ी अच्छा लग रहा था स्प्रिंग में, तो इसको रिमूव करके इसकी जगह पे यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन टच दूंगी। तो यहाँ पर ये वॉज मेरा रखा हुआ था जो मैंने लिविंग रूम में यूज़ किया था पिंक फ्लावर्स के साथ, उसको मैंने फ्लावर्स को निकाल के यहाँ पर सिर्फ ये ग्रीनरी रखी है ताकि किचन में अच्छा सा फ्रेश लुक आए, तो वो मैं यहाँ पर रख दूँगी। और उसी के साथ ये फ्लोर मैट्स डाल दूँगी ब्लू वाले, तो इसी से काफ़ी चेंज हो जाएगा क्योंकि इसी से काफ़ी चीज़ों का कलर आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हम ब्लू ब्लू को टच नहीं देंगे, थोड़ा सा जितना के थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्स डालने से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो उसी के साथ मैं यहाँ पर चेंज कर लूँगी अपने किचन टॉवल्स को, तो ये भी काफ़ी अच्छा होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट किचन टॉवल्स से अपने कलर किचन को कलर दे सकते हो, कि जिस तरह से मैं हमेशा से करती हूँ कि ये बहुत इजी हो जाता है। और किचन टॉवल्स तो आप चेंज करते रहते हो तो उतना मुश्किल भी नहीं है, आपको ज़रूरत पड़ती है किचन टॉवल की, जब भी लो तो कुछ एक डिफरेंट कलर के लो ताकि आप उसको चेंज कर सको। तो यहाँ पर मेरे पास ये किचन टॉवल्स थे जो मैंने एक्शन से लिए थे, तो उसको मैंने यहाँ पर लगा लिया है। तो यहाँ पर दोबारा से हम ओपन शेल्फ की तरफ आ गए हैं। ये जो नीचे वाला शेल्फ था इसमें मैंने इसको ऐड किया, और ऊपर वाले शेल्फ में यहाँ पर मेरे पास ये एक और टी पॉट रखा हुआ था तो उसको मैं रिमूव कर दूँगी। तो उसके जगह पे हम कोई दूसरी चीज़ को ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक डिनर सेट का ये बोल रखा हुआ था, ये भी काफ़ी खूबसूरत है वाइट और ब्लू में, तो वो मैं इसमें रख दूँगी ताकि ब्लू का थोड़ा सा टच आ जाए। तो ऊपर वाला शेल्फ कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने चेंज नहीं की है, थोड़े से बस उसी के साथ हम उसको थोड़ा सा नया लुक देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये जो बोल रखा हुआ है इसमें पिंक कलर की टॉवल थी तो वो मैंने निकाल के यहाँ पर ये जो ब्लू टॉवल्स का मेरे पास नया सेट रखा हुआ था तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये वाले जो टॉवल्स है ये आपको डिश ड्राई करने में काम आते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छे टॉवल्स है ये, तो उसको मैं ऐड कर लूँगी और मुझे यूज़ में भी आएंगे। तो उसी तरह मैं यहाँ पर ये जो टू ट्रे स्टैंड है उसमें रख लूँगी ताकि डिशेस को ड्राई करने में यूज़ हो सकते हैं ये, तो इसी तरह मैं इसको यहाँ पर रख लूँगी। तो जो टू ट्रे स्टैंड है उसमें आप इस तरह की चीज़ें रख सकती हो जो आप फंक्शनल भी हो और दिखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मेरा कुछ इस तरह से ये टू ट्रे स्टैंड हो गया रेडी। तो ये थी वो जो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो मैंने अपने घर में की थी समर के लिए, थोड़ा सा रिफ्रेश लाने के लिए, अपने घर को थोड़ा सा नया लुक देने के लिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ सेम कलर की चीज़ें देख देख के, तो अब हर चीज़ को चेंज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस दफ़ा मैंने सोचा है कि सिर्फ वो चीज़ को चेंज करूँ जिससे थोड़ा सा रिफ़्रेश लगे और ज़्यादा मुझे चीज़ों को हटाना भी नहीं पड़े, क्योंकि हर बार आप हर चीज़ को हटा के जब करते हो टाइम भी काफ़ी लगता है और उसमें एफर्ट भी काफ़ी लगता है। तो इस दफ़ा मैंने इस तरह से करके देखा है ताकि मैं थोड़ी चीज़ों के साथ ही अपने घर को रिफ़्रेश करूँ और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे, क्योंकि हर कोई बिज़ी भी होता है, क्योंकि अब समर के हॉलीडेज़ आ रहे हैं तो थोड़ा सा घर को रिफ़्रेश करें तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये थी वो सारी चीज़ें जो मैंने अपने घर के लिए की थी।
ये समर के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी और आपको भी इससे कुछ आइडियाज़ मिले होंगे कि कम टाइम में आप किस तरह से अपने घर को रिफ़्रेश कर सकते हो समर के लिए। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन्स को ऐड करें, और ब्लू और येलोज़ का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है, तो उसको आप यूज़ करें समर्स के लिए। और पिंक भी काफ़ी अच्छा लगता है, स्प्रिंग में भी अच्छा लगता है और समर में भी अच्छा लगता है, तो वो कलर्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ मैंने अपने घर को रिफ़्रेश किया है। तो ये वाला जो कॉर्नर है मैंने इसको शूट नहीं किया, लेकिन मैंने ये इंटरव्यू के लिए कुछ इस तरह से मैंने सेट किया है। तो अगर आपको याद होगा तो ये वाला वॉश मेरा डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था, जो मैंने लाके यहाँ पर रख दिया है। तो ये भी काफ़ी रिफ़्रेश हो जाता है कि आप चीज़ों को इस तरह से सिर्फ चेंज करें जगह थोड़ी सी। उसके साथ मैंने यहाँ पर दो कैंडल होल्डर्स को रखे और एक फ्रेम को ऐड किया है, यहाँ पर एक कुशन ऐड किया है, और इसी के साथ यहाँ पर मेरे ये जो शूज़ कैबिनेट पे मैंने एक वॉश को ऐड किया है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो मैंने अपने घर के लिए की थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।